ಏಕರಂತಾಯ ವಿಘ್ನಾಶಿನಿ ಶುಭಸೂಕ್ತಾಯ ಶ್ರೀವರ
डालने के बाद हल्दी मूल चावल पुष्प डालो Bye.
विश्व अरण्य में कहीं ऋषि और मुनि इकट्ठे जा रहे थे। वो बोले अभी के पिता सबके दुख हरता। ऐसे भगवान को देखने के बाद नारद जी ने भगवान के चरण छुए। भगवान के चरण छूने के बाद भगवान ने पूछा कि यहां आप कहते लिए ये तीनों में मैं जाकर आया हूं, किसी के पास सत्ता है नहीं, किसी के पास धन है नहीं, किसी को एक टाइम भोजन मिलता है, किसी को वो भी नहीं मिलता है, किसी को बीमारी है, ये खत्म करने के लिए आपके पास कुछ हो तो बता दो। फिर उनको आपने दया दया आने के बाद मैंने क्या किया, संकल्प कर दिया कि हे भगवान आपकी दया से आपकी कृपा से जो भी मुझे मिल जाएगा उसमें से मैं तुम्हारी पूजा जरूर कर लूंगा। ऐसा कहा। ऐसा देने के बाद उनको रात भर नींद नहीं आई। सुबह हुआ पंडित जी ने स्नान संध्या जप और जाप किया। जाप करने के बाद रोज अपना परिक्रमा करते थे, उस दिन की परिक्रमा थी। लेकिन भगवान की दया से भगवान की कृपा से पंडित जी को कुछ ना कुछ थोड़ा सा मिल गया। मिलने के बाद सत्यनारायण पूजा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, करने के बाद क्या फल मिल जाता है, सत्यनारायण की कथा आप अपने मकान में या किसी भगवान के मंदिर में जाके सत्यनारायण पूजा कर सकते हैं। सत्यनारायण पूजा करते समय आप अपनी माँ बाप भाई बहन औरत सब इकट्ठा मिलकर शांति पूर्वक सत्यनारायण पूजा कर सकते हैं। सत्यनारायण पूजन के लिए प्रसाद क्या क्या होना, प्रसाद क्या क्या होना, गेहूं का रवा शक्कर और घी और दूध, वो भी अपने शक्ति अनुसार भगवान को प्रसाद समर्पित किया जाता है। सत्यनारायण पूजा जब करते हैं, भगवान का पूजन करते समय नाम स्मरण और चिंतन और भजन ये सब का महत्व ज्यादा बताया गया हुआ है। सत्यनारायण पूजा बाकी जो पूजा पाठ होती है इसके लिए टाइम या मुहूर्त देखना पड़ता है। लेकिन सत्यनारायण पूजा आप कभी भी इस समय भी कर सकते हो। सत्यनारायण पूजा वैसा शाम के करना चाहिए। सत्यनारायण पूजा करने के बाद क्या फल मिल जाता है, जिसको संतान चाहिए उसको संतान, जिसको धन चाहिए उसको धन, जो भी चाहिए साई सत्यनारायण कृपा दृष्टि से सब कुछ मिल जाता है। पंडित जी रहते थे और पंडित जी को कभी खाने को मिलता है कभी नहीं मिलता। रहने के लिए मकान नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, संतान नहीं है, एक टाइम भोजन मिलता है कभी वो भी नहीं मिलता है।
अवस्था देने के बाद भगवान को दया आ गई। भगवान को दया आने के बाद भगवान ने क्या किया, पड़ी हुई दाढ़ी और फटे हुए कपड़े पहनकर भगवान उनके सामने पेश हुए। पेश होने के बाद भगवान को पेश होने के बाद उन्होंने पूछा कि हे पंडित, आप वहां से यहां, यहां से वहां क्यों भटकते रहते हैं? बोले, कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता। संतान नहीं है, संतान नहीं है, मकान भी नहीं है, बीमारी है, ये सब कुछ खत्म करने के लिए आपके पास कुछ हो तो बताओ। फिर उनको आ गए दया। दया आने के बाद, दया आने के बाद सत्यनारायण के भोजन के बारे में बताना चालू किया। वो खत्म होने के बाद उन्होंने संकल्प कर लिया कि हे भगवान, आपकी दया से, आपकी कृपा से जो भी मुझे मिल जाएगा, भिक्षा मांगने के बाद जो भी मुझे मिल जाएगा उसमें से मैं तुम्हारी पूजा जरूर करूंगा। ऐसा किया, ऐसा कहने के बाद उसको रात भर नींद नहीं आया। सुबह हुआ, पंडित जी ने स्नान संध्या और जप और जाप किया। जाप करने के बाद रोज जैसा परिक्रमा करते थे उस दिन भी परिक्रमा की, लेकिन भगवान की दया से, भगवान की कृपा से पंडित जी को कुछ ना कुछ थोड़ा सा मिल गया है। मिलने के बाद उन्हें पूजा की और पूजन करने के बाद भगवान की दया से पंडित जी थोड़े से धनवान और बलवान बन गए। धनवान और बलवान बन जाने के बाद ऋषियों और मुनियों ने पूछा, ये पूजा यहाँ तक कैसे कर आकर पहुंची? जब पंडित जी बड़ी शान से तन मन धन से सत्यनारायण पूजा कर रहे थे तो उधर से कोई ये लकड़ी वाला जा रहा था, उसको पानी की प्यास लगी थी। पानी पिया, पंडित जी को पूछा, पंडित जी ने बताया। बताने के बाद उन्होंने संकल्प कर दिया कि हे भगवान, आपकी दया से, आपकी कृपा से जो मुझे लकड़ी बेचने के बाद जो भी पैसा मुझे मिल जाएगा उसमें से मैं तुम्हारी पूजा जरूर करूंगा। लकड़ी गई, जितना चाहता था उसे से ज्यादा पैसा उनको मिल गया। पैसा मिलने के बाद पूजा की और पूजन करने के बाद लकड़ी वाला, बेचने वाला व्यापारी और पंडित जी भी धनवान और बलवान बन गए। शादी होगी उस समय में मैं सत्यनारायण पूजा कर करूंगा, ऐसे
पड़ी हो गई, कांचन नगर में अच्छा सा लड़का देखा, उनके साथ उन्होंने शादी की। शादी हो गई लेकिन सत्यनारायण पूजा करने के लिए भूल गया। भूल गया तो क्या हुआ, जहां भूल गया तो क्या हुआ, भूल गया तो जहां व्यापारी और दामाद रहते थे उसी नगरी के अंदर चोरी में चोरी, जो लुटेरा था वो लूट कर भाग रहा था। जहां चोरी हुई थी वहां चोरी 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 करके चोरी ने जो व्यापारी और दामाद रहता था उसके मकान के सामने चुरा हुआ धन दौलत डालकर असली चोर को भाग गया। हम चोर नहीं है, हमारे बारे में कुछ सोचो या कुछ समझो। उन्होंने कुछ सोचा नहीं और समझा भी नहीं, दोनों को सीधा अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद इनके मकान में जो कपड़ा लत्ता धन दौलत था धीरे धीरे खत्म हो गया। एक रात एक बंडी मकान में गई, यहाँ सत्यनारायण कथा चल रही थी। सत्यनारायण पूजा चल रही थी वहां कलावती वहां गई तो कहे भगवान के चरण छुए और वहां का जो प्रसाद था प्रसाद उन्हें भक्षण किया, इसलिए काफी रात हो चुकी थी। तो माँ ने बेटी से पूछा कितना टाइम जो लग गया, माँ मैंने सत्यनारायण पूजन करते हुए देखा। तो माँ को याद आ गया अपने पति ने कभी सत्यनारायण पूजा बोली थी वो रहेगी, इसका ये नतीजा है। भगवान मेरे पति को आप माफ कर देना। ऐसा कहने के बाद भगवान ने क्या किया, राजन के सपन में जाके बोला, क्या बोला, तेरे अंदर चोरी की इल्जाम में दो व्यापारी पकड़े गए हुए हैं। चोरी उन्होंने की नहीं लेकिन उनके मकान के सामने चोर डाल दिया है, ये चोर नहीं है उनको छोड़ दो, ऐसा भगवान ने राजन के सपन में जाके बोला। बोलने के बाद वो सबको बताया, बताने के बाद कपड़ा रखा और धन और दौलत देकर दिया कर दिया। एवं क्या होता है, पैसा आता है और जाता भी है, लक्ष्मी आती है और जाती भी है। तो पहले बात हमने ऐसा देखा क्या धन दौलत से नैया भरी हुई है, तो उन्होंने पूछा कि आपकी नैया में क्या है, इनकी नैया से धन और दौलत से भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने झूठ बोला। क्या बोला, मेरे नैया के अंदर बैठने के बाद थोड़ी समय में व्यापारी आया, उनके कहने का पहली जो नैया है नैया वही है पत्थर और पान और फूल। देखने के बाद व्यापारी सीधा नीचे गिर गया, नीचे गिरने के बाद दामाद आया, दामाद ने देखा नैया तो वही है पत्थर और पान और फूल ये कहां से आए, उसने उनको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद पूछा ये बात क्या है, भाई हमने किसी कोई साधु महात्मा आए थे, साधु महात्मा से मैंने झूठ बोला, साधु महात्मा किधर है, नदी किनारे के ऊपर बैठ गए, वो
दोनों मिलकर वहां गए, भैया हमने आपको पहचानने में गलती की, आप जगत के स्वामी हैं, हम तुम्हारे बच्चे हैं, हम आपको कैसे क्या पहचानेंगे, उनको माफ कर दो। ऐसा कहने के बाद जो नैया थी, नैया वापिस धन और दौलत से भरती, नैया धन दौलत से भरने के बाद संदेह कर दिया कि हम दोनों साथ मिलकर आ रहे हैं। माँ ने बेटी से कहा, बेटी बेटी पूजा कर। बेटी ने पूजा की, लेकिन बहुत दिन के बाद पति मिलने वाला था, इसलिए प्रसाद खाना भूल गई। प्रसाद खाना भूल गई, उसका पति पानी में डूब गया। कलावती ललावती सेवक वर्ग सब रोने लगे। भगवान को आ गई दया, भगवान की आकाशवाणी, मेरी लड़की जो है मकान में जाएगी, प्रसाद खाएगी, प्रसाद खाने के बिना उसका पति उसको मिलने वाला नहीं। मकान में गई, प्रसाद पसंद किया, उसका नतीजा ये हुआ उनका वैभव उनके वहां बच्चे मिल गए। हर हर पूर्णिमा हर संक्रांत पूजा करते रहते थे। Thank you.
गरा गरा तुम दम्बा, गाये दम्बा, मर दम्बा,
ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಹೇ